मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक के बयानात के लिए हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तरावी के बाद दुआ। सवाल है, रमज़ान में तरावी के बाद इज्तमाई दुआ होती है, फिर कुछ जगहों में वितर के बाद मुत्तसरन इज्तमाई दुआ की जाती है। दलील ये देते हुए कि रमज़ान में जब वितर इज्तमाई पढ़ा जाता है तो इज्तमाई दुआ करना सही है, जिस तरह फ़र्ज़ नमाजों के बाद की जाती है। और दूसरी दलील जो सबसे मजबूत देते हैं वो ये है कि फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 7 बाबुल वितर वल कुनूत और सफ़ा नंबर 169, उसमें सवाल जवाब इस तरह है कि तरावी में वितर के बाद इमाम का बुलंद आवाज़ से इज्तमाई दुआ करना सुन्नत है या नहीं है। तो उसमें जवाब ये देते हैं, यहाँ भी आहिस्ता मुस्तहब है और कुछ जगहों में वितर के बाद मुत्तसरन दो रकात नपल पढ़कर इज्तमाई दुआ होती है। और ये हज़रात दलील ये देते हैं कि हम सब नमाजों से फारिग होकर बग़ैर लाजिम समझे दुआ करते हैं तो इसमें क्या ख़राबी है, और कुछ जगहों में दुआ होती ही नहीं है। इन तीनों फरीकों के आपस में शदीद इख्तलाफ भी है। इसका जवाब यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़र्द नमाजों के बाद इज्तमाई दुआ करना साबित है, लेकिन इज्तमाई दुआ पर ऐसा इल्तज़ाम करना कि जो शख्स इस इज्तमाई दुआ में शामिल ना हो तो उस पर तान तशनी की जाए, ये दुरुस्त नहीं है। तरावी के बाद भी अगर लाजिम समझे बगैर दुआ कर ली जाए तो गुंजाइश है, और ये दुआ वितर के बाद की जाए तो इसकी भी इजाज़त है। और अगर कोई शख्स ये दुआ नहीं करता तो इस पर भी कोई लान तान ना की जाए। अलबत्ता वितर के बाद नवाफिल अदा करके फिर से इज्तमाई दुआ से ये इज्तनाब किया जाए। बाकी आप तरावी के बाद ये दुआ कर सकते हैं या वितर के बाद दुआ करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये इसलिए कि तलावत के बाद कुरान पढ़ने के बाद ये दुआ करना ये मुस्तहब है। तलावत के बाद दुआएं कबूल हो जाती हैं तो तलावत के बाद ये आप दुआ करें, दुआ कर सकते हैं, ये मुस्तहब है। और तरावी में चूँकि आपने कुरान पाक का एक हिस्सा पढ़ लिया तो तरावी के बाद भी आप दुआ कर सकते हैं, ये मुस्तहब है। तो आप इसमें इसकी इजाज़त है, गुंजाइश है, आप दुआ कर सकते हैं। वल्लाहु अलमु बिस्सवाब। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक के बयानात के लिए हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक।